हरिओम। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया यानी कपाल तंत्रिका की पीड़ा। शरीरम व्याधि मंदिरम, हमारा शरीर व्याधियों का मंदिर है। मंदिर को साफ सुथरा रखें तो व्याधियां नहीं फैलेंगी, लेकिन जब व्याधियां हमें घेर लेती हैं तो अक्सर हम उसका उपाय तभी खोजते हैं। और ये मनुष्य की आज से नहीं, हमेशा से समस्या रही है कि त्रिविध ताप जब हम पर पड़ते हैं तब उनके अपघातक उपाय को खोजते हैं। ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है, ये भी ऐसा ही न्यूरोलॉजिया, न्यूरोज से संबंधित या नर्व से संबंधित समस्या है। और ये कपाल हमारा एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर का कंट्रोलर है। कोई अंग ऐसा है जो इसको हवा की कमी नहीं होने देता, कोई अंग ऐसा है जो इसको रक्त की कमी नहीं होने देता, कोई अंग ऐसा है जो इसको पोषण की यानी भोजन की कमी नहीं होने देता। लेकिन कंट्रोलर अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर सारा कुछ गड़बड़ ही रहता है, बाकी अंग पुष्ट होते हुए भी हमें परेशानी हो जाती है। कपाल तंत्रिका, कपाल नाम से ही परिचित हैं कि ये कपाल से जुड़ी हुई समस्या है। हमारे कपाल में पूरा नाड़ियों का जाल है जो पूरे शरीर तक फैला हुआ है, और पूरे शरीर से सूचनाओं का आदान प्रदान, दुख तकलीफों का आदान प्रदान, स्पंदन जो हैं सेंसेशंस उनका आदान प्रदान करना इसका काम है। और इनमें भी मुख्य रूप से, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, हमें तो पीड़ा का निदान देखना है। ये जो न्यूरोलॉजिया है एक इस तरह की समस्या है कि जिसमें आपका पूरा चेहरा पीड़ा से ग्रसित हो जाता है, यानी हाथ तक नहीं लगा सकते आप अपने चेहरे को, मेकअप नहीं कर सकते जो आजकल प्राय करते हैं, मुंह धोना है, सफाई करना है, यानी जो हमारे कपाल की मुख्य 12 तंत्रिकाएं हैं उनमें से 3 तंत्रिकाएं ऐसी हैं जो हमारे मतलब आँखों को, नाक को, जबड़े को, मुख की त्वचा को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। और अगर वो दब जाएं, डैमेज हो जाएं, तो फिर हमारे पास कारण इसका कुछ नहीं खोज पाए अभी तक डॉक्टर लोग भी, मेडिकल साइंस भी ये कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका जो निदान है वो या तो पेन किलर्स लोग लेते रहते हैं कि भाई तकलीफ़ है तो ले लो, और फिर इसके अटैक्स होते हैं, यानी अभी हुआ फिर थोड़ी देर बाद फिर हो गया, और कई बार वो थोड़ी देर तक भी रह जाता है, बड़ी टीसें उठती हैं और आप अपने चेहरे को खुद भी नहीं छू पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उसमें फिर कई बार उसको सर्जरी भी करनी पड़ती है जिसमें आपके जो तंत्रिका है वहाँ तक इंस्ट्रूमेंट पहुँचा करके और उसको जो रक्त वाहिनी का दबाव उसके ऊपर बना है तंत्रिका के ऊपर, उसको हटाया जाता है, और अगर नहीं हटता है तो फिर रक्त वाहिनियों को वहाँ से सर्जरी करके उनको भी ब्लॉक किया जाता है। यानी ये तो सर्जरी का विषय है, मेडिकल साइंस का विषय है जो अभी विकास की स्थिति में ही है, और नित्य नूतन जैसे अध्यात्म क्षेत्र में है, योग में है, कि जैसी समस्याएँ आती गई वैसे वैसे फिर उनके बारे में निदान खोजे गए, और निदान करते करते आज एक विकसित विज्ञान के रूप में, सर्वोच्च विज्ञान के रूप में योग स्थापित है। इसको मैं बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में ही देखता आया हूँ, और आज भी यही बात हम कहते हैं कि अगर एहतियात बरतें तो फिर समस्या हो ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं उनको पीड़ा नहीं होती, पीड़ा उनको भी होती है। जो एहतियात बरत रहे हैं पीड़ा उनको भी हो जाती है, उनको गलती से होती है, उनको अभ्यास से विमुख हो जाने से होती है, यानी कर्म जैसा है हमारा उसके हिसाब से परिणाम तो हमें झेलना ही पड़ेगा।
और जो बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं, सिस्टम को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त नहीं रखते हैं, उनके सामने स्वाभाविक है कि समस्या ज़्यादा आती है। तो हमारी जो ये कपाल तंत्रिकाएं हैं वो स्वस्थ रहें और उनको जो सप्लाई सिस्टम है, यानी उन नर्व्स को जो पोषण देने वाला सिस्टम है, वो कहीं आपस में कन्फ्रंटेशन ना हो उनमें, यानी हमारे जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो जो संचार का काम करती हैं हमारे नर्व्स, हमारे स्नायु, मतलब उनको वो एडवर्सली इफेक्ट ना करें, अपना अपना काम करें सब ठीक ठीक, तो फिर हमारा सारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर ये समस्या हो गई तो स्वाभाविक है कि पहले तो जैसे लोग पेन किलर ले लेते हैं, हम लोग कहते हैं भाई ध्यान का अभ्यास करो, और ध्यान का अभ्यास में उधर से समस्या की तरफ से थोड़ा ध्यान हटाने का प्रयास होना चाहिए, तो उसको हम अभ्यास में लाएं। लेकिन इससे तो खाली काम नहीं चलता, समस्या का निदान ध्यान हट जाने मात्र से नहीं होता। ध्यान हट जाने मात्र से, यानी ध्यान को डाइवर्ट कर लेने से, पीड़ा को अनुभव करने का जो हमारा सिस्टम है वो प्रभावित होता है और हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कब तक? आखिरकार इलाज यही है कि समस्या का उन्मूलन किया जाना चाहिए, और इसके लिए जो अभ्यास हम सजेस्ट करते हैं वो हैं कपाल क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाएं। कपाल क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाएं करेंगे तो हमारे जो पूरे के पूरे नब्ज हैं, इसी तरह से जो ये प्रमुख तीन हमारी नाड़ियां हैं, जो हमारी आँख, नाक, जबड़ा, गाल, होठ, मतलब इनको प्रभावित करती हैं, वो भी दोनों तरफ हैं, तो इसलिए वो ये वाली पीड़ा भी जो न्यूरोलॉजिया की है वो दाईं तरफ भी हो सकती है, बाईं तरफ भी हो सकती है, तो इसलिए हमें पहले से ही हर तरफ से चौकस हो जाना चाहिए। जिनको समस्या है वो इसका अभ्यास करें तो वो समस्या शनि शनि दूर हो जाती है, जल्दी, बहुत जल्दी भी लाभ मिल जाता है। ऐसा ना सोचें कि अगर हमने समस्या के कारण को नहीं खोजा है तो एक एक को तो हम उपाय खोज ही लेते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके रखें, अपने सिस्टम्स को शुद्ध बना करके रखें, हमारी जो नर्व्स हैं उनको हम पुष्ट और स्वस्थ बना करके रखें, ऐसे हमारी जो रक्त संचारिकाएं हैं, रक्त को बहा चलाने वाली जो हमारी नालियाँ हैं, है ना, उनको भी हम अपने वर्किंग ऑर्डर में रखें, तो ये समस्या पैदा नहीं होगी। क्योंकि इसका जो रिसर्च वर्क है वो तो हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक कर रहे हैं, योग विज्ञान के वैज्ञानिक कर रहे हैं, है ना, वो लोग करेंगे इसको। लेकिन तब तक एक उपाय जो हमने योग के माध्यम से निकाला हुआ है वो यही है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो जो सब लोग इसको करें उनको ऐसी न्यूरोलॉजिया की समस्या नहीं होगी, और जो लोग इससे पीड़ित हैं वो इसका अभ्यास करें तो बहुत अच्छे परिणाम इसके हमें दिखाई दिए हैं, कि क्योंकि जो उलझन है, जो वो दबाव है, जो हमारी तंत्रिका को रक्त वाहिनी के कंटेक्ट में आकर के, या किसी दुर्घटना की वजह से, कई बार चोट लग जाती है, कई बार सर्जरी हमने किसी पर्टिकुलर हिस्से की लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है सर्जरी का, वो कंसर्न नर्व के ऊपर आ गया, उससे भी हमें पीड़ा बढ़ सकती है। लेकिन जो उपाय है कि हम प्रिवेंटिव क्रियाओं को ज़रूर ज़रूर करें, तो वो जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी लाभकारी है और जो इस रोग से पीड़ित हैं उनके लिए भी लाभकारी होगी। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, देखते हैं नहीं, सीखते हैं और करते हैं, आप लोग करिए। केवल ऐसा ना सोचें कि हमें तो ये न्यूरोलॉजिया की समस्या नहीं है इसलिए हमें अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब समस्या होगी ना तो इसमें इतनी तकलीफ होती है कि आदमी सुसाइड तक करने की सोच लेता है, गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत घातक समस्या है, तो इसलिए उसकी प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो अपने कपाल क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रिया करें। इसके अलावा एक जो दो मुद्राएं इसमें हम करेंगे वो आपके लिए पर्याप्त होगा। हालांकि वेदना के मार्ग हैं तेते नखत गगन में व्यापक जेते, बहुत सारे क्रियाएं हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे एपिसोड्स में हम आपके साथ वो काम की चीज़ें साझा करना चाहते हैं जिसका तात्कालिक लाभ आप कर सकें और उसे समझ करके आप अभ्यास में भी ला सकें, वरना ज्ञान बघारने से खाली पीड़ा का निदान नहीं होता है। तो कपाल क्षेत्र के माइक्रो एक्सरसाइज़,
ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और ख़ास तौर से योग की जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें विशेष बस ध्यान रखने का ये होता है कि भोजन के तत्काल बाद करने से हमें बचना चाहिए, उससे लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। कई बार जल्दी आंख नहीं खुलती है, योग का नियम तो ये है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगें, शरीर शोधन करें, फिर अभ्यास करें, लेकिन जो ऑलरेडी रोगी है जिसे उठा ही नहीं जाता ब्रह्म मुहूर्त में, वो क्या करेगा। तो नियमों में भी हमें रिलैक्सेशन करना पड़ता है। फिर हम ये कहते हैं कि आज जिस परिस्थिति में है उसमें बेस्ट करिए, और उसका बेस्ट यही है कि जिस समय आप ये लाइट एट स्टमक हो उस समय इन क्रियाओं का अभ्यास आप करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें, कोई चिंता की बात नहीं है। पहला अभ्यास कपाल क्षेत्र के माइक्रो एक्सरसाइज में जो है वो है आपके, क्योंकि हमने इसको सिर को तीन हिस्सों में बांटा है इन क्रियाओं में, एक जो है हमारी जो शिखा स्थान है वो हिस्सा है, दूसरा हमारा जो सबसे ऊंचा सिर का भाग है जिसको सहस्त्रार का भाग भी कह देते हैं, और सॉफ्ट पार्ट है खोपड़ी का सबसे ये और सबसे ऊंचा भी इस पे, और तीसरा जो है हमारा जो सबसे पीछे का हिस्सा है, यानी सबसे पीछे का हिस्सा, फिर शिखा स्थान, और फिर जो तालू वाला भाग जिसको हम कहते हैं सबसे ऊंचा भाग, इसके ऊपर एक्सरसाइज देनी होती है। ये एक्सरसाइज है हमारी कंसंट्रेशन और ऑटो सजेशन पर आधारित, और इसमें जो श्वास का स्ट्रोक है यानी किस प्रेशर के साथ हम सांस लेते हैं, कितनी गहराई तक उसको होल्ड करते हैं, उसके साथ जो कनेक्टिंग नर्व्स हैं उनको कितना हम फोकस करते हैं, इस पर ही ये सारी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। तो हम पहले अभ्यास में अपना ध्यान पूरी तरह से चोटी वाली जगह पर ले लेते हैं जहाँ पर पंडित जी की चोटी होती है। यहाँ पर एक भंवर सी भी बालों की आपके बनी रहती है। मैं पीछे घूम करके आपको दिखा देता हूँ स्थिति कि जो हमारे सिर का सिर पीछे लटकाया ढीला, तो ये जो हिस्सा है जहाँ में उंगली लगाई हुई है इस हिस्से के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, और सीधे खड़े होकर के ऐसे सांस लेना है कि उसका सीधा जो दबाव है वो इस जगह पर आपको अनुभव हो। लंबा सांस, पूरा सांस भरा, और यहाँ पर बिल्कुल कंजेशन जैसे किसी ने जकड़ लिया हो महसूस किया, और उसके बाद सांस छोड़ दीजिए, तो ये हिस्सा जिसको जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे वो बिल्कुल रिलीज हो जाएगा और फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से सांस लेना, लंबा गहरा सांस, प्रेशरफुल सांस, और फिर आराम से निकाल दिया। तो इस तरह से पांच सांस करने के बाद आप रिलैक्स कर दीजिए सिर को और ढीले खड़े हो जाइए। ये पहला अभ्यास है, और इसके बाद जब हम दूसरा अभ्यास करेंगे तो उसमें हम ये खड़े होकर के कर सकते हैं, खड़े होकर के ही करना चाहिए बल्कि, इसलिए मैं आपको खड़े होकर के ये अभ्यास बता रहा हूँ। तो और इस दूसरे अभ्यास में आप सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने सिर को थोड़ा सा झुका लेते हैं आगे को, इतना झुकाते हैं कि आपके पैरों से लगभग आपकी हाइट के बराबर दूरी पर नज़र टिक जाए, और ध्यान हमारा सिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर रहेगा जहां मैं बार बार हाथ छू के दिखा रहा हूं ये हिस्सा। और जब हम सांस लेंगे तो जो प्रेशर हमने शिखा स्थान पर महसूस किया था उसी प्रेशर को हम यहां पर सिर के सबसे ऊंचे भाग पर महसूस करेंगे। यानी जैसे जैसे प्रेशर के साथ सांस पूरा भरते जाएं उसी तरह उतना ही दबाव जो है वो बढ़ता चला जाए इस बिंदु पर जहां मैंने आपको संकेत किया है, और फिर जैसे ही सांस को आराम से निकले, आपने देखा कि मेरे सांस लेने में आवाज आ रही थी ऐसे, और मैंने जब सांस छोड़ा तो कोई प्रेशर नहीं था। तो जैसे ही सांस रिलीज होगा तो वो जो कंजेशन है वो रिलैक्स होगा, और उसके रिलैक्स होते ही हमारा जो रक्त का संचार है और इसी तरह से जो हमारा सेंसेशन यानी स्पंदन का संचार है वो रिगेन कर लेता है अपने आप को। दूसरा अभ्यास आप ये करेंगे, ये भी उसी तरह से पांच सांस किया लगातार और फिर पैर खोल करके आराम से खड़े हो गए। फिर तीसरा जो अभ्यास है उसमें हम फिर से पीछे घूम जाते हैं
और खोपड़ी का जो सबसे नीचा भाग है यानी मेड्यूला वाला भाग, यानी इस स्थान पर हम ध्यान रखेंगे। यानी खोपड़ी, सिर को आगे झुका देंगे और खोपड़ी का जो सबसे नीचे यानी हड्डी जहाँ खत्म हो रही है, इस जगह पर फोकस करेंगे। यदि संभव हो तो ठुड्डी को कंठकूप में यानी गर्दन के गड्ढे में लगा दें और फिर इसी तरह से सांस भरने में प्रेशर है और सांस छोड़ने में कोई प्रेशर नहीं है, बड़ी सहजता के साथ सांस को छोड़ देते हैं। जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो फिर आराम हो जाता है, यानी जिस हिस्से को आपने एक्सरसाइज दी है वो रिलीज हो जाएगी, टेंशन रिलीज हो जाएगी। प्लीज ये तीन अभ्यास हम इसमें लेते हैं कपाल क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रिया के। इसके बाद एक आपको लेना होता है षणमुखी मुद्रा। ये भी हमारे जो कपाल तंत्रिका है उसको पूरी तरह से स्वस्थ और पुष्ट करने में सहयोगी है, और जिन लोगों को समस्या है उनके लिए निदान है, और जिन लोगों के लिए समस्या नहीं है उनके लिए ये एक ऐसा व्यायाम है जो उनकी स्मृति को, उनके संतुलन को, उनकी मेमोरी को, यानी तीनों ही चीज़ों को प्रभावित करेगा। और बहुत बड़ी चीज़ है, उस चीज़ को प्रभावित करेगा जो दो आपकी ब्रेन की शक्तियाँ हैं, यानी क्रिएटिव माइंड और कैलकुलेटिव माइंड। तो इसलिए ये रोग का निवारण करने वाला भी है, और हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी क्षमताएं हैं, हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनको विकसित करने का काम भी करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि षणमुखी मुद्रा में हम पांच रास्ते बंद करते हैं, और पांच रास्ते बंद करने के बाद में जो छठा रास्ता है वो बचता है, हमारी ऊर्जा यानी जो हम जो प्राणवायु हम भरेंगे वो टकराएगी और वो हमारी इन नर्व्स को पुष्ट करेगी, और अगर कहीं वो टेंस हैं तो उसको रिलीज भी करेगी। इसमें अंगूठे से हम कानों को दबा लेते हैं, यानी कान का जो ये बाहर वाला छोटे वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे दबा देते हैं, ठीक है, अंगूठे से दोनों तरफ से। ये ना सोचें कि इस तरफ अगर दर्द हो रहा है तो इधर का ही करना है, नहीं, पूरे का ही करना है, क्योंकि समस्या कहीं भी माइग्रेट कर सकती है। कान को बंद किया, फिर जो इंडेक्स फिंगर है उससे हम अपनी आँख को बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी मिडिल फिंगर है यानी हमारी मध्य उंगली उसको हम उससे नासिका को बंद कर देते हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, और फिर हम ओठों से सांस भरते हैं जीभ को बाहर निकाल करके, और भरने के बाद में हम दोनों ओठों को भी बंद कर देते हैं। जब दोनों ओठ बंद हो जाएंगे तो फिर हम ठुड्डी को भी कंठकूप में यानी गर्दन के गड्ढे में लगा देंगे। एक बार देखिए, और फिर नाक से हम श्वास को छोड़ते हैं। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि प्राणवायु का दबाव आपके पूरे स्कल के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो न्यूरलजी की समस्या है ये पैदा ही नहीं होगी, अगर है तो उसका निदान होगा, यानी हमारी आंखों पर, हमारे नासिका पर, हमारे जो हमारे जबड़े हैं, दांत हैं, और यहाँ तक के जो हमारा ये जॉ जॉइंट है, यानी कोई भी हिस्सा कपोल तक उससे प्रभावित होते हैं, और ऐसे ही जो निदान है वो भी इन पूरे हिस्सों तक जाता है। तो ये षणमुखी मुद्रा का अभ्यास, यानी पांच मुख बंद करने और छठा मुख जो हमारे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ हमारी ऊर्जा का संचार हो, और हमारी जो तंत्रिकाएँ हैं और साथ ही हमारी जो प्रवाहिकाएं हैं यानी रक्त को बहाने वाले जो साधन है उसको ये पूरी तरह से अपने अपने स्थान पर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और जो अंग खोपड़ी में हमारे हैं, चाहे वह स्मरण शक्ति को लेकर के है, हमारी बुद्धि शक्ति को लेकर के है, हमारे संतुलन को लेकर के है, हमारे क्रिएटिव माइंड को लेकर के, हमारे कैलकुलेटिव माइंड को लेकर के है, उन सब को ये चुस्त दुरुस्त कर देता है।
अंत में एक चीज आपको करनी है, वो है नभो मुद्रा। और नभो मुद्रा में वो बहुत इफेक्टिव है। नभो मुद्रा में आपको ये करना है कि अपनी जो जीभ है उसको तालु मूल में ऊपर लगाना है, यानी पैलेट में जहां भी छू सकते हो, यानी जितना ऊंचा ले जाए। ये जब आवाज कर रहे हैं तो मेरा सबसे ऊपर जो बिल्कुल छत है अपने चैम्बर की, उसमें मैंने जीभ को छुआ है। तो ये आवाज निकाल के इसलिए दिखा रहा हूं, आप भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीभ कहाँ लगानी पड़ती है। तो जीभ को उस जगह पर लगाएं जहां पर लगाने से आप ये आवाज प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी जितना ऊंचा मोड़ करके आप जीभ को टच कर सकें उतना आप कर दीजिए। वहां पर जीभ को छू देंगे। उसके बाद दूसरा काम करेंगे, अपनी जो हमारी आंखें हैं मतलब इनको हम ऊपर आकाश की ओर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और तीसरा काम करते हैं कि हम पूरा सांस भर लेते हैं, यानी जीभ पैलेट में टच कर रही है, सांस पूरा भर लिया गया है, नजरें आकाश की तरफ ऊंची उठा ली गई हैं। यहां तक कि आप सोचेंगे मैं अपनी भौहों को देख रहा हूं, इतना ऊंचा ले जाएं। और फिर सांस को भर करके रोके रखना है नभो मुद्रा में। इस स्थिति में जितनी देर हो सके बैठिएगा, और फिर जब लगे कि सांस नहीं रोक पा रहा हूं तो सांस छोड़ दीजिएगा। एक बार देखिए, मैंने जीभ को घुमा लिया है, मैंने आंख भी बंद कर ली है, श्वास भी आराम से छोड़ा है, और जीभ भी मैंने वापस नॉर्मल कर ली है। अगर नॉर्मल ना करता तो बात ही ना कर पाता आपसे। देखने में बहुत लग रहा होगा कि शायद कठिन है, लेकिन नहीं, बहुत सरल क्रियाएं हैं। जब अभ्यास करते हैं तो आप इसकी मास्टरी इसके ऊपर बढ़ती चली जाती है। और एक बात आपको बताऊं कि आपके कपाल तंत्रिकाओं के स्वस्थ होने का मतलब है पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वो अपने आप को रिगेन कर लेती हैं। तो बात सारी खाली न्यूरोलॉजिया की नहीं है, या हम कहें कपाल तंत्रिका के रोगी होने की नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, संचार की व्यवस्था है, स्पंदन की अनुभूतियों का विषय है, वो सब अपने आप में ठीक होने लगता है। आप स्वस्थ रहिए, योगाभ्यास करिए, और निर्भय रहना है। योगी जो है निर्भय रहता है। समस्याएं आई हैं उनका स्वागत इसलिए कि हमें निदान के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं तो वो लोग निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो लोग इस रोग की गंभीरता को जानते हैं वो लोग इस अभ्यास को करेंगे ताकि उन्हें उस पीड़ा का सामना न करना पड़े। हरिओम।